IPL 2020 के क्वालिफायर 2 में दिल्ली कैपिटल्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किए। दूसरी ओवर की तीसरी गेंद पर शिखर धवन शॉर्ट एंड आउटसाइड ऑफ गेंद को पॉइंट के ऊपर से ब्यूटीफुल बाउंड्री लगाए और दिल्ली कैपिटल्स के लिए पहला चौका। तीसरी ओवर की चौथी गेंद पर स्टॉइनिस शॉर्ट गेंद को मिड विकेट के ऊपर से चौका लगाए। अगली गेंद में भी स्टॉइनिस फुल एंड ऑन मिडिल गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में चौका लगाए, उनके लिए बैक टू बैक बाउंड्रीज। चौथी ओवर की पहली गेंद पर स्टॉइनिस शॉर्ट गेंद को पुल करते हुए मिड विकेट की दिशा में बाउंड्री लगाए। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर स्टॉइनिस शॉर्टेस्ट अराउंड ऑफ गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में चौका लगाए। पांचवी गेंद में स्टॉइनिस फुल एंड अराउंड ऑफ गेंद को स्विंग करते हुए वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाए और दिल्ली कैपिटल्स के लिए पहला छक्का। और उसी ओवर की आखिरी गेंद में भी स्टॉइनिस आउटसाइड ऑफ गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में बाउंड्री मारे। पांचवी ओवर की तीसरी गेंद पर शिखर धवन शॉर्ट एंड वाइड आउटसाइड ऑफ गेंद को कट करते हुए पॉइंट फील्डर में चौका मारे। अगली गेंद पर शिखर धवन फुल ऑन गेंद को फ्लिक करते हुए फाइन लेग क्षेत्र में फिर एक और बार बाउंड्री लगाए। उसी ओवर की पांचवी गेंद पर शिखर धवन फुल एंड अराउंड ऑफ गेंद को क्विक सिंगल लेकर टीम स्कोर 50 तक पहुंचाए। इसी के साथ शिखर धवन और चाइनीज के बीच 50 रन की साझेदारी पूरी हुई। छठी ओवर की पहली गेंद पर शिखर धवन अराउंड ऑफ गेंद को स्लॉग स्विप करते हुए मिड विकेट के ऊपर से भारी छक्का लगाए। सातवीं ओवर की चौथी गेंद पर शिखर धवन शॉर्ट गेंद को पुल करते हुए थर्ड मैन की सीमा में एक और छक्का मारे। आठवीं ओवर की पांचवी गेंद पर शिखर धवन फुल ऑन ऑफ गेंद को शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में बाउंड्री लगाए। नवी ओवर की दूसरी गेंद पर स्टॉइनिस टॉस अप अराउंड ऑफ गेंद को डिफेंड करने गए, लेकिन गेंद बल्ले को पीछे छोड़कर स्टंप को चकनाचूर कर गई। रशीद खान का पहला विकेट और SRH के लिए पहली सफलता। दसवीं ओवर की दूसरी गेंद पर शिखर धवन टॉस अप अराउंड ऑफ गेंद को स्लॉग स्वीप करते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाए। इसी के साथ उनका अर्धशतक पूरा हुआ और ये उनके लिए लीग में दूसरा सबसे तेज 50 रन। और उसी ओवर की चौथी रन तक दिल्ली कैपिटल्स अपना 100 रन पूरा किए। तेरहवां ओवर की पांचवी गेंद पर श्रेयस अय्यर फुल ऑन मिडिल गेंद को फ्लिक करते हुए डीप मिड विकेट की दिशा में चौका लगाए। हालांकि फील्डर गेंद की तरफ दौड़ते हुए गेंद को रोकने की कोशिश किए, लेकिन नाकामयाब रहे। 14 ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर फुल एंड अराउंड ऑफ गेंद को भारी शॉट लगाने के चक्कर में मनीष पांडे को कैच देकर आउट हो गए। जेसन होल्डर के लिए पहला विकेट। 15 ओवर की चौथी गेंद पर हेटमेयर टॉस अप अराउंड ऑफ गेंद को कवर क्षेत्र के ऊपर से खूबसूरत चौका लगाए। 17 ओवर की दूसरी गेंद पर हेटमेयर फुलिश एंड अराउंड ऑफ गेंद को डीप पॉइंट के ऊपर से शानदार छक्का लगाए। इसी के साथ टीम स्कोर 150 पूरा हुआ। 18 ओवर की पहली गेंद पर हेटमेयर फुल एंड अराउंड ऑफ गेंद को फ्रंट लेग आके मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लगाए। अगली गेंद में भी हेटमेयर आउटसाइड ऑफ गेंद को थर्ड मैन की ओर चौका लगाए। उसी ओवर की चौथी गेंद पर शिखर धवन फुल टॉस ऑन मिडिल गेंद को फ्लिक करते हुए मिड विकेट के ऊपर से चौका लगाए। 18 ओवर की आखिरी गेंद पर हेटमेयर फुल एंड अराउंड ऑफ गेंद को शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर से मारने की कोशिश किए, लेकिन गेंद डीप मिड विकेट की ओर बाउंड्री गया। इसी के साथ हेटमेयर और शिखर धवन के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई। 19 ओवर की तीसरी गेंद पर शिखर धवन लो फुल टॉस अराउंड ऑफ गेंद को रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास किए, लेकिन LBW के रूप में आउट हो गए। संदीप शर्मा का पहला विकेट। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए। 2 ओवर में मौत ने सुनिश्चित कर दिया कि दिल्ली को 200 रन का निशाना नहीं मिलेगी, लेकिन दिल्ली की बल्लेबाजी में अभी भी यह शानदार प्रदर्शन है और वे निश्चित रूप से दोनों का सबसे खुश पक्ष होंगे। पहले यह उनका नया उद्घाटन था जो उन्हें एक उड़ान भरने के लिए मिला। दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों में स्टॉइनिस 27 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 38 रन बनाकर शानदार खेल दिखाए। वहीं शिखर धवन 50 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्के की मदद से 78 रन बनाकर जबरदस्त प्रदर्शन दिखाए। और हेटमेयर 22 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से
42 रन बनाकर अजय रहे के बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाए और साथ ही श्रेयस अय्यर 20 गेंदों में एक चौके की मदद से 21 रन बनाकर अच्छा खेल दिखाए। दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों में संदीप शर्मा 4 ओवर में 30 रन देकर 7.50 इकोनॉमी रेट के साथ एक विकेट लेकर अच्छा खेल दिखाए और रशीद खान 4 ओवर में 26 रन देकर 6.50 इकोनॉमी रेट के साथ एक विकेट लेकर अच्छा खेल दिखाए। सनराइजर्स हैदराबाद लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले ओवर की तीसरी गेंद पर प्रियम गर्ग फ्लोटेड अराउंड ऑफ गेंद को स्लॉग स्वीप करते हुए डीप स्क्वायर लेग की दिशा में छक्का लगाए, एसआरएच का पहला छक्का। दूसरी ओवर की पहली ही गेंद पर एसआरएच के लिए बहुत बड़ा झटका। दिल्ली के लिए बहुत अच्छी शुरुआत। डेविड वार्नर फुल ऑन मिडिल गेंद को हिट करने की कोशिश में उनके पैर से टकरा कर डिफ्लेक्ट करती हुई स्टंप से टकरा जाती है और वे क्लीन बोल्ड हो गए। केगिसो रबाड़ा का पहला विकेट। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर मनीष पांडे फुल एंड अराउंड ऑफ गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से बहुत अच्छा शॉट मार के लॉन्ग ऑफ की दिशा में चौका लगाए। तीसरी ओवर की पहली गेंद पर मनीष पांडे फुल एंड अराउंड ऑफ गेंद को फिर एक और बार बॉलर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ की दिशा में चौका लगाए। उसी ओवर की पांचवी गेंद पर प्रियम गर्ग शॉर्ट गेंद को पुल करके टॉप एज में बहुत शानदार छक्का लगाए। पांचवी ओवर की दूसरी गेंद पर मनीष पांडे शॉर्ट गेंद को पुल करते हुए आसानी से फाइन लेग दिशा में चौका मारे। उसी ओवर की चौथी गेंद पर प्रियम गर्ग फुल एंड अराउंड ऑफ गेंद को ऑन साइड से ड्राइव करने का प्रयास किए लेकिन गेंद बल्ले और पैड के बीच की खाई में घुसती हुई स्टंप से टकरा गई और वे आउट हो गए। स्टॉइनिस का पहला विकेट। उसी ओवर की आखिरी गेंद में एक और चित। मनीष पांडे फुल अराउंड ऑफ गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेले लेकिन गेंद सीधे एनरिच के हाथ पर और वे कैच आउट हो गए। स्टॉइनिस का दूसरा विकेट। छठी ओवर की पांचवी गेंद पर जेसन होल्डर फुल एंड आउटसाइड गेंद को पॉइंट फील्डर की दिशा में ड्राइव करते हुए ब्यूटीफुल चौका लगाए। पावर प्ले खत्म होने तक एसआरएच 3 विकेट के नुकसान पर 49 रन बनाए। नवी ओवर की पहली गेंद पर केन विलियमसन टॉस अप ऑन मिडिल एंड लेग गेंद को शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में चौका लगाए। दसवीं ओवर की तीसरी गेंद पर केन विलियमसन फ्लोटेड अराउंड ऑफ गेंद को गेंदबाज के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन की दिशा में भारी छक्का लगाए। 11वीं ओवर की 5वीं गेंद पर केन विलियमसन फुल ऑन ऑफ गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगाए। 12वीं ओवर की पहली गेंद पर केन विलियमसन फ्लोटेड ऑन मिडिल गेंद को क्रीज के बाहर आकर गेंदबाज के सिर के ऊपर से खूबसूरत छक्का लगाए। उसी ओवर की चौथी गेंद पर जेसन होल्डर फ्लोटेड ऑन मिडिल एंड लेग गेंद को लॉफ्ट करते हुए मिड विकेट के ऊपर से शॉट मारे लेकिन गेंद सीधे प्रवीण दुबे के हाथ पर और वे कैच आउट हो गए। अक्षर पटेल का पहला विकेट। अगले ही गेंद पर केन विलियमसन अराउंड ऑफ गेंद को डीप कवर के क्षेत्र में चौका लगाए। 13वां ओवर की पहली गेंद पर केन विलियमसन लो फुल टॉस गेंद को फाइन लेग के ऊपर से छक्का मारे। इसी के साथ हैदराबाद के लिए 100 रन पूरा हुआ। 14 ओवर की तीसरी गेंद पर केन विलियमसन सिंगल लेते हुए अपना अर्धशतक पूरा किए। ये उनके लिए आईपीएल में 15th अर्धशतक है। उसी ओवर की पांचवी गेंद पर केन विलियमसन फ्लैटर एंड अराउंड ऑफ गेंद को थर्ड मैन की ओर चौका लगाए। 15 ओवर की दूसरी गेंद पर समर्थ शॉर्ट गेंद को पुल करते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाए। अगली गेंद में अब्दुल समद स्लोअर आउटसाइड ऑफ गेंद को पॉइंट क्षेत्र में चौका लगाए और चौथी गेंद पर समद फुल एंड आउटसाइड ऑफ गेंद को थर्ड मैन की दिशा पर एक और चौका लगाए। 16 ओवर की तीसरी गेंद पर केन विलियमसन शॉर्टर आउटसाइड ऑफ गेंद को पॉइंट के ऊपर से चौका लगाए। 17 ओवर की चौथी गेंद पर केन विलियमसन गुड लेंथ अराउंड ऑफ गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौका लगाए लेकिन अगली गेंद पर केन विलियमसन आउट हो गए और हैदराबाद के सभी प्रशंसकों के लिए हार्ट अटैक। विलियमसन फुल एंड आउटसाइड ऑफ गेंद को स्लाइस करके कवर क्षेत्र के ऊपर से मारे लेकिन रबाड़ा कैच लेकर उन्हें आउट कर दिए। स्टॉइनिस का तीसरा विकेट। 18 ओवर की तीसरी गेंद पर रशीद खान फ्लोटेड अराउंड ऑफ गेंद को
ह्यूज स्लॉग स्वीप करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाए। इसी के साथ हैदराबाद 150 रन पूरा किए। अगली गेंद पर रशीद खान फुल एंड आउटसाइड ऑफ गेंद को कवर क्षेत्र के ऊपर से बाउंड्री लगाए। 19 ओवर की दूसरी गेंद पर अब्दुल समद फुल टॉस ऑन मिडिल गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का लगाए, लेकिन अगली गेंद पर समद फुल एंड अराउंड ऑफ गेंद को एक लंबे शॉट के लिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारे, लेकिन कीमो पॉल ने कैच लेकर उन्हें आउट किया। रबाड़ा का दूसरा विकेट। उसी ओवर की चौथी गेंद पर रशीद खान फुल एंड अराउंड ऑफ गेंद को फ्रंट फुट आकर एक भारी शॉट मारे, लेकिन अक्षर पटेल कैच पकड़कर उन्हें आउट किए और रबाड़ा का तीसरा विकेट। अगली गेंद पर गोस्वामी शॉर्ट गेंद को पुल शॉट मारे, लेकिन गेंद हवा में ऊंचा जाकर मिड विकेट क्षेत्र में स्टॉइनिस आसान कैच लेकर उन्हें आउट कर दिए और रबाड़ा का चौथा विकेट। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल 17 रनों से जीत हासिल करके फाइनल में पहुंच गए।